हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। ऐसी वैकेंसी जहां पर कोई भी जो है आवेदन करते समय फीस नहीं लग रही है, कोई परीक्षा इंटरव्यू नहीं है, सीधे सिलेक्शन रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जहां से वैकेंसी जारी की गई है। दूरस्थ और सतत शिक्षा विभाग मुक्त शिक्षा विद्यालय से वैकेंसी है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से। 18 जुलाई 2024 को नया विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें जो है 26 सब्जेक्ट पर में जो है वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें सब्जेक्ट आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है देखिए 18 जुलाई 2024 का नया विज्ञापन है और इसमें सब्जेक्ट आप सबसे पहले देखें, असामीज़, बंगाली, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, फाइनेंशियल स्टडीज़, हिंदी, हिस्ट्री, जूलॉजी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, स्टैटिस्टिक्स, संस्कृत, पंजाबी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड लाइब्रेरी साइंस। तो ये सभी विषय हैं, कुल जो है 26 सब्जेक्ट हैं वैकेंसी। वैकेंसी जो है दूरस्थ और सतत शिक्षा विभाग, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, मुक्त शिक्षा विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय से जारी की गई है। पद का क्या नाम है, तो इसमें कई वैकेंसी और भी हैं जिसमें फ़िलहाल जो इन सब्जेक्ट में जो वैकेंसी हैं, तो ये पद का नाम है कंटेंट राइटर, एकेडमिक काउंसलर, रिसोर्स पर्सन एंड गेस्ट फैकल्टी। ठीक है, ये वैकेंसी है। इसमें जो है देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या कह रहे हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में मांग रहे हैं मास्टर डिग्री आपकी इन सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है। साथ में आपका जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि UGC द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, या फिर CSIR जो है आपका हो। बस इतना ही। वर्क एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं है तो बिल्कुल, जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो तो आपकी होनी ही चाहिए। अब जो है सैलरी ये क्या देंगे, तो सैलरी जो है UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी रहती है वही सैलरी आपकी इसमें मिलने वाली है, 50,000, 55,000, 60,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे तो उनको जो है ये जो लिंक दिया हुआ है इस पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि जब भी आपको बुलाते हैं, शॉर्ट लिस्टेड जिन भी कैंडिडेट को किया जाता है, तो आपको ईमेल के द्वारा बुलाया जाएगा और उसके बाद जो है आप लोगों को अपने जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं 10th के बाद के अब तक के जो भी हायर क्वालिफिकेशन आपने ली है उनको आप लोगों को साथ में लेके जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आप कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आएं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे आप तो इम्पोर्टेंट नोटिस एंड इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को यहीं पर कहीं नज़र आएगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है क्योंकि इसमें कोई परीक्षा कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन ही है और आवेदन करते समय कोई फीस भी नहीं लग रही है। तो ऐसे में जब कोई फीस ही नहीं लग रही है और इतना आसान जो है सिलेक्शन रहेगा, आपके मार्क्स के बेस पर सिलेक्शन रहेगा, तो आप लोग अप्लाई ज़रूर किया करें। बहुत सारी वैकेंसी जहां पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती है, ऐसी वीडियोस बिल्कुल आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं समय पर, जैसे ही विज्ञापन जारी होते हैं। यहां पर देखें एडवर्टीजमेंट फॉर कंटेंट राइटर, स्किल ट्रेनर एंड टेक्निकल इंटर्न्स। ठीक है, तो ये 26 जुलाई 2024 यहाँ डेट डली हुई है, इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा एडवर्टीजमेंट और अप्लाई करने का लिंक जो है इसी में दिया हुआ है। तो जल्द ही जो है अप्लाई करना होगा क्योंकि इन्होंने लिखा है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 2 वीक। एडवर्टीजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जब पब्लिश हुआ है उसके 2 वीक के अंदर आप लोग अप्लाई कर दें। लिंक आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट का इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।